So hello everyone and welcome to an academy. My name is Dr. Varun Sharma and aap sabhi ka swagat hai academy channel Rajasthan 360 par. First of all, I'm so sorry for being late and this is some information about me. My name is Dr. Varun Sharma and I've been taking classes for various exams related to RPSC. I've trained some 500 odd of students for civil service examinations. मैंने एक बार यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू अपीयर किया है और तीन बार आरएएस का इंटरव्यू अपीयर किया है. ये मेरे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है. माफी चाहूंगा आपसे 10 मिनट लेट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही थी. सो प्लीज बेयर विद इट. बट एनीवे नाउ आई एम बैक. सो अभी जो क्वेश्चन होंगे वो सब मैं भी आई विल बी आंसरिंग देम एज वेल. सो बिफोर मूविंग आंसरिंग टू योर क्वेश्चंस आई विल जस्ट स्टार्ट अप विद द बेसिक्स ऑफ द यू नो द क्लास. तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा लिटरेचर ऑफ राजस्थान पार्ट 5. इसके अंदर आज हम जो है शुरू करेंगे मॉडर्न जो लिटरेटर्स रहे हैं राजस्थान के उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जो मॉडर्न जो कृतियां हुई हैं जो बुक्स लिखी गई हैं उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में खास तौर से इंपॉर्टेंट है. हालांकि पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर प्री और मेंस में लगातार अब देखा गया है दोनों बार से पिछली बार कि मॉडर्न हिस्टोरियंस जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनके क्वेश्चंस आते रहे हैं. तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. मूविंग फर्दर व्हाई यू शुड बी जॉइनिंग एन अकेडमी. बेसिकली यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं. बहुत से एजुकेटर्स आपको लाइव आकर रोज पढ़ाएंगे. आपके डाउट्स जो है वो सारे लाइव क्लियर किए जाएंगे. आपके उसके अलावा जो कोर्स रहेगा पूरा स्ट्रक्चर्ड रहेगा. टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा. आई विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स मोर एंड विल स्टार्ट ऑन अ टॉपिक. एंड आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस दिए जाएंगे ताकि अपनी परफॉर्मेंस आप असेस कर सकें. फॉर एग्जाम्पल जब ये टॉपिक खत्म होगा लिटरेचर वाला तो उसके बाद मैं क्विज भी लूंगा ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि कितना आपने समझा है, कितना आपको याद है, कितना आपको समझ में आया है. ठीक है. एंड अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा वीडियो का. जब तक भी आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है तब तक आप रेगुलरली वीडियोस को देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं एंड यू नो गेट इन टच विद दी फैकल्टीज एज वेल. सो ये मेरे कोर्सेज जो कंप्लीट हुए हैं मैंने पूरा डिटेल के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आरएएस के हिसाब से कवर करवा दिया है. सारे वीडियोज मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच बैक टू मी. एक नया मैकेनिज्म डेवलप हुआ उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको. आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं. आपके जो भी डाउट्स हैं वो या तो एक स्पेशल क्लास के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे या फिर ये कोर्स दोबारा लिया जाएगा इफ एन नंबर ऑफ डाउट्स आर यू नो अक्यूमुलेटिंग. तो अगले साल तो वैसे दोबारा शुरू हो गए कोर्स लेकिन उससे पहले भी जरूरत है आपको तो मैं आपको ये वापस कोर्स करवा दूंगा. मूविंग फर्दर यहाँ पर ऑनलाइन जो अभी मेरा कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस के ऊपर वो चल रहा है आपका राजस्थान पॉलिटी वाला. तो ये प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं. प्री प्लस मेंस दोनों टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से कवर कर रहे हैं क्योंकि ये वाला टॉपिक प्री और मेंस दोनों के अंदर आता है पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी वाला. तो उसके लिए हम लोग जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर चीफ मिनिस्टर ब्ला 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 जो भी कुछ है राजस्थान का पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं डिटेल में. एक वन स्टॉप कोर्स रहेगा पूरा आपको सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी. तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया तो प्लीज कम ऑन बोर्ड एंड एनरोल फॉर इट. एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी सिंपल है. आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. यू वुड हैव टू गो ऑन आरपीएससी सेक्शन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन एंड रिमेंबर माय कोड 10VS. तो 10VS वाला जो कोड है जैसे ही आप इस गिफ्ट बॉक्स में डालेंगे तो आपको अपफ्रंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. जो यानी कि जो 7000 का कोर्स है एक साल का वो 6300 में और जो दो साल का 8400 कोर्स है वो आपको मात्र 7560 फॉर एंटायर 2 ईयर्स. यानी कि आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक की पूरी जानकारी आपको रेगुलरली यहाँ मिलती रहेगी. अपडेट्स होते रहेंगे, क्लासेस चलती रहेंगी. ठीक है. और इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी और को टीचर के कोर्स को वैलिड करने की जरूरत नहीं. मीन आप सबके कोर्सेज देख सकते हैं लेकिन कोड मेरा लेने के बाद आपको अलग अलग टीचर से कोर्स नहीं लेना पड़ेगा. ऑल कोर्सेज ऑल एग्जाम्स ऑल टीचर्स एवरीथिंग इन दिस वन पर्टिकुलर कोर्स. ठीक है. ऑल वन पर्टिकुलर कोड ऑल कोर्सेज प्लस एग्जाम्स प्लस जितने भी आपकी फैकल्टीज हैं सारी फैकल्टीज हैं जो भी पढ़ाती हैं उन सबके थ्रू आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट इट. बेटर रहेगा 24 मंथ्स करें. क्योंकि वन ईयर प्लस वन मंथ इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो सीधे 24 ईयर्स की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आपको मिल जाएगी. एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन गेट इन टच विद एनी ऑफ अस. आपको सिर्फ एक जो मेरे जो क्लास है उसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है इस तरह का, उस लिंक पे क्लिक करना है. तो और अगर आप जैसे भी डालना चाहें तो अनअकैडमी वेबसाइट पर जाकर आप ये लिंक डाल सकते हैं. आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको एग्जाम टाइप करना होगा. आपको आरपीएससी क्लिक कर दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, अपना नंबर दीजिएगा और मुझसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर वरुण शर्मा लिख दीजिएगा. विद इन वन डे आई विल बी कॉलिंग यू. जैसे क्वेरीज हमारे पास आएगी या तो इंस्टेंटली हो जाएगा. अगर मेरी कोई क्लास वगैरह आई तो आई विल बी कॉलिंग यू बैक एज सून एज पॉसिबल. ओके. सो दिस इज द वे टू गेट इन टच विद मी. कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए, सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए, कोई डाउट्स है, एनीथिंग यू वॉन्ट, वी ऑल एजुकेटर्स आर देयर फॉर यू. बट यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड दैट इज इट. चलिए लिटरेचर की बात करते हैं. अच्छा उससे पहले एक दो क्वेश्चंस ले लूँ. मुझसे निमिषा जी पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग निमिषा जी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर एंड वेटिंग फॉर द क्लास.
सर राजस्थान फ्रीडम स्ट्रगल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे फॉर ACF निमिष एंड कैनेस के फ्रीडम फाइटर्स। देखिए मैं आपको सही बताऊं, स्किप करने वाली कॉन्सेप्ट आप मत रखिए, क्योंकि क्या क्या स्किप करेंगे आप अगर सिर्फ रीड भी कर लेंगे एक से दो बार, अगर आप किसी जो भी बुक को पढ़ रहे हैं या जो भी कोई नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ रीड भी कर लेंगे तो भी एग्जाम में ऑप्शन देखने के बाद आपकी एक्यूरेसी 60-70% तक बढ़ जाएगी। सो देर इज नो हार्म इन ओनली रीडिंग इट, पीस ऑफ माइंड से लेकर मुश्किल से 2-3 घंटे लगेंगे एक बार पूरा वो रीड करने के अंदर, यानी कि दो बार पढ़ने में अभी 20 दिन बाकी हैं, एटलीस्ट मैक्सिमम मिनिमम से मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 5 घंटे, क्योंकि पहली बार की रीडिंग में 2-3 घंटे मान लीजिए, दूसरी रीडिंग के अंदर आप मान लीजिए 1.5 घंटा आधा घंटा कम कर सकते हैं एटलीस्ट, तो इतने समय में आपकी एक्यूरेसी 60-70% तक बढ़ जाएगी। दो क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है इसके अंदर से, या तो एक आपके किसी जो उनकी जो उन्होंने जो संस्था बनाई हुई है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, या फिर आप उनके अंदर किसी ने कोई इंपॉर्टेंट जैसे कोई समाचार पत्र शुरू किया है या कुछ एडिटेड रोल वगैरह शुरू है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जैसे नीमच है, एरिनपुरा है, खेरवाड़ा है, जो 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 आपकी जो स्टैब्लिश हुई थी आपकी जो जो भीलकोर मेवाड़ भीलकोर और इस तरह की जोधपुर लीजर वो सब है, वो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किस साल में बसे थे, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर किसने क्रांति की शुरुआत करी थी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ये फ्रीडम स्ट्रगल के। फ्रीडम स्ट्रगल वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखा है, आप मेरा जो पुराने वीडियोज है लेट्स राजस्थान एग्जाम्स पर उसमें जाकर आप राजस्थान की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देख सकते हैं। अगर पढ़ना भी ना चाहें तो उन वीडियोस को देख लें, पूरा डिटेल में अच्छे से मैंने नाम बता बता करके, ये व्यक्ति कोटा में था, ये व्यक्ति जयपुर के अंदर थे, या यहाँ पर जोधपुर में ये लोग थे, यहाँ से कुशल सिंह चापा को तुझे अरिनपुरा के एवरीथिंग आपके जो भी है सारी मैंने डिस्कस कर रखी है डिटेल में, आप वो वीडियोस देख जाकर भी देख सकते हैं, काफी हेल्प मिलेगी। बट मैं बार बार सबसे यही कहूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट ट्राई टू स्किप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी राइटिंग्स है, कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको मिस करने के लिए आप यू नो दिमाग मत बनाइए। एक बार के लिए मैं फिर भी कह सकता हूं कि अगर आप चाहें, अगर आप रिस्क है मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है तो आप रजवाड़े भले ही कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें भी वो वाले रूलर्स मत छोड़िएगा जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर। जैसे अगर मेवाड़ का देखें तो कुंभा को मत छोड़ना, राज सिंह को मत छोड़ना, ठीक है, उसके अलावा प्रताप और सांगा को मत छोड़ना, क्योंकि उनकी वजह से बहुत ज्यादा चेंज हुआ था पूरा सिनेरियो मेवाड़ का। तो ऐसे तीन चार राजा सिर्फ मेवाड़ के बताऊं तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना, बापा रावल को मत छोड़ना। इसके अलावा आप कोई और छोड़ना मिस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले राजाओं को बिल्कुल मिस मत करना। ये तरीका है एग्जाम को समझने का, आप पुराने पैटर्न्स देखिए, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग, एंटिसिपेट करो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अगर एंटिसिपेट नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आप पढ़ के गए, अननेसेसरी कोई और चीज पढ़ के जाएंगे, देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। गुड इवनिंग कनिष्क जी, ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर जो पढ़ना है तरीके से पढ़िए उनको, है ना, डोंट यू नो ट्राई टू रश ऑफ थिंग्स। अभी मैं जानता हूँ टेंशन है, प्रेशर है बहुत, एग्जाम होने वाला है, कोई उसमें कोई चांस लग नहीं रहा कि कुछ होगा, होना भी नहीं चाहिए, पोस्टपोन बहुत टाइम से चीज बढ़ती रुकी हुई है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ना टेंशन मत लें, ओके, स्टार्ट एंड इंपॉर्ट एक तरीके से पढ़िए, स्ट्रैटेजी से पढ़िए, डोंट रैंडमली स्टार्ट रीडिंग एवरीथिंग। पर ये जो लिटरेचर जो आप पुरानी चीजें मत पढ़िए, शायद आर्ट एंड कल्चर पढ़ लीजिए बिल्कुल पूरी तरह से, इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरा पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं सिर्फ 3-4 ही तो वंश पढ़ने हैं आपको, मेवाड़ का पढ़ना है, मेवाड़ का मैं एक बार मैराथन करा चुका हूँ, आने वाले मंथ के अंदर मैं मारवाड़ का मैराथन करा दूंगा, वो मैराथन पूरा हो जाएगा 3 घंटे के अंदर, पूरी जोधपुर की हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा फिर भी एक कछावा वाला है तो सवाई जयसिंह वगैरह इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको, तो ये वाला भी पूरा जयपुर का राजवंशी, दोनों मैराथन में ले लूंगा, जयपुर और आपका क्या कहते हैं आई मीन दिस मारवाड़ का, उसके बाद काफी आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी उन वीडियोस को देखने से सिर्फ, ठीक है। 1.5 पे करिएगा, आराम से सुनाई देगा, समझ आएगा पूरा जल्दी कर, 3 घंटे का 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। सो स्टार्ट डूइंग दैट, एंटिसिपेट करिए क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, पुराने क्वेश्चंस देखते रहे, जरा भी ट्रैक से हटेंगे तो पुराने क्वेश्चंस देखेंगे वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, प्लीज डू दैट, ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू द क्लास, जो हम राजस्थान लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं, आपको मैं बात थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ चलता हूँ ताकि सीक्वेंस बना रहे। आप लोगों को मैंने बताया था कि राजस्थान में थीमेटिक लिटरेचर के ऊपर डिस्कशन किया था हमने, जिसके अंदर हमने पढ़ा था जैन साहित्य, चारण साहित्य, इसके अलावा लोक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ये सारा पार्ट इसमें डिस्कवर किया था, जो जो आपके अलग अलग थीम्स के ऊपर जिनके ऊपर लिखा गया है। फिर आपके लिटरेचर जॉनर्स, यानी कि आपके जिसके अंदर विगत है, मरस्या है, कक्का है, ठीक है, वाचनिका, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर जनरल एस्पेक्ट में मैंने बताया था डिंगल पिंगल क्या होता है, गद्य पद्य क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है राजस्थान के लिटरेचर के। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन कैसे किया गया लिटरेचर का, ठीक है, एंशियंट ईरा जो वीर गाथा काल था, फिर मेडिवल ईरा, फिर मॉडर्न ईरा, और फिर लिटरेरी राइटिंग्स जो हम पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं अभी लगातार। आज इसकी 5th क्लास है इन दिस एंटायर बिल्डअप,
और हमने देखा है कि जैसे बताया था मैंने आपको कि डोमिनेंस ऑफ जैना लिटरेचर के अंदर हमने सॉरी एंशियंट ईरा के अंदर डोमिनेंस इनका था, मेडिवल ईरा के अंदर डोमिनेंस चारण लिटरेचर का था, और मॉडर्न ईरा के अंदर डोमिनेंस एक तरह से ये आपको एनलाइटनमेंट का टाइम मान लीजिए एनलाइटनमेंट, ठीक है, क्यों? क्योंकि इस टाइम पर आपके 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद आपके फिर ये आगे बढ़कर बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस की भी इसके डेवलपमेंट आगे जाके हुए थे, तो ये एक तरह से जागरण काल था, जागरण मान लीजिए इस चीज को, ठीक है, ये 1947 तक चलता है ये टाइम पीरियड आपका, ठीक है, कंटिन्यूइंग, आज भी कंटिन्यूइंग मान लीजिए, ठीक है, कंटिन्यूइंग, ठीक है, 1947 एंड कंटिन्यूइंग, ठीक है, तो ये यहाँ से आप शुरू कर लीजिए, आप फॉर एग्जांपल ये 1760 ऑनवर्ड्स मान लीजिए, आपको मैंने बताया था ये वाला कि ये समय था 8 से लेकर 14 सेंचुरी तक, ये 14 से लेकर आपका 18 सेंचुरी स्टार्टअप था, और ये 17 सेंचुरी यानी 18 सेंचुरी ऑनवर्ड्स से लेकर आपके 1760 ऑनवर्ड्स से 1947 तक, इसी को जागरण काल भी कहा जाता है, जागरण काल और या फिर एनलाइटनमेंट का पीरियड था राजस्थान में, जन जागृति एक तरह से अब एक नहीं, ठीक है, एनलाइटनमेंट में नहीं, एनलाइटनमेंट प्रबोधन हो जाता है, थोड़ी सी हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इसका मान लीजिए अवेकनिंग जो, और अवेकनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके सिलेबस के अंदर, स्पेसिफिकली मेंशन है राजस्थान के आरएस के सिलेबस में अवेकनिंग, ठीक है, पब्लिक अवेकनिंग इसके बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये इस तरह से हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स वे में उसको ब्रेक करके पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से उसको डील कर सके। अब ये जो सूर्यमल मिश्रा है शुरुआत के राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट कवि माने गए हैं, और मॉडर्न ईरा की शुरुआत जो हम मानते हैं वो सूर्यमल मिशन के टाइम से ही मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कशन करें कि जैसे हम गैलीलियो को एनलाइटनमेंट का जो रेनेसो का टाइम पीरियड था वर्ल्ड के अंदर हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो गैलीलियो थे एनलाइटनमेंट के अंदर उनको पायनियर माना जाता है, लियोनार्डो डा विंची को पायनियर माना जाता है, गैलीलियो को, माइकलांजेलो सभी एक समय के लोग थे, इन सबको पायनियर माना जाता है आपके रेनेसो का अगर हम देखें वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर इंडियन राजस्थान इंडियन हिस्ट्री के अंदर आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं मॉडर्न मैन जो मॉडर्न रेनेसो मैन जो क्वेश्चन भी आया आरएस में राजा राम मोहन रॉय साहब को, ठीक है, बंगाल के थे राजा की उपाधि इनको अकबर टू ने दी थी, तो राम मोहन रॉय को हम लोग मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया या रेनेसो मैन ऑफ इंडिया इस तरह का भारत का पहला मॉडर्न नागरिक इस तरह की बात करते हैं तो उनका नाम लेते हैं। इसी तरह जब राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर इतिहास की बात करते हैं तो जो फर्स्ट मॉडर्न ईरा पोएट ऑफ राजस्थान, ठीक है, मॉडर्न 1760 ऑनवर्ड्स, तो वो माना जाता है सूर्यमल मिश्रण को, कई जगह इनका नाम सूर्यमल मिश्रण भी मिलता है, तो दोनों ही नाम ठीक है, ये मिश्रण भी ठीक है, ठीक है, मिशन भी ठीक है, ठीक है, तो ये एक चारण कवि थे ये भी, तो ये मिशन, ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो ये आप इनके दोनों नाम मिलते हैं तो कन्फ्यूज मत होना, मिश्रण मिशन ये दोनों ही एक ही व्यक्ति थे, सो देयर इज नो नीड टू नो गेट पैनिक्ड अबाउट इट। और ये बूंदी के शासक थे महाराजा राम सिंह, कोट पोएट थे बूंदी के शासक राम सिंह, उनके दरबारी कवि थे, उनके दरबारी कवि थे, यानी कि उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा होगा। फॉर एग्जांपल इनकी जो पहली कृति है वंश भास्कर, वो इन्होंने 1840 में लिखी थी, जिसके अंदर आपको बूंदी के राठौड़ों के बूंदी के जो हाड़ा चौहान थे राजपूत थे उन सब के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बूंदी से पूरी वंश भास्कर के अंदर इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा सिर्फ बूंदी के ही नहीं, उस समय जितने भी आसपास के रजवाड़े थे राजस्थान के उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इन्होंने वंश भास्कर नामक किताब में अपनी दी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री बुक है जिसके अंदर जानकारी मिलती है। और ये लिखते लिखते उस समय इनके बाद कुछ समय बाद इनका उन्होंने तबियत खराब हुई थी, उन्होंने लिखना छोड़ दिया था इस किताब को, जो बाद में जाकर इनके पुत्र मुरारीदान ने, जो दत्तक पुत्र फौस्टर पुत्र यानी कि इनको गोद लिया हुआ मुरारीदान, उन्होंने इस किताब को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो जब इन्होंने शुरू की थी 1840 में, थोड़ा समय लगा लंबा इसको लिखने में, तो मुरारीदान नामक इनका जो फौस्टर सन था बीच में लिखना छोड़ दिया था, इनकी जो 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 राम सिंह से उनसे थोड़ी अनबन भी हो गई थी, तबियत भी खराब रहने लगी थी, उन्होंने इस किताब को बीच में लिखना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी आज भी इनका नाम इस किताब से सिनोनिमस है। तो वंश भास्कर सूर्यमल मिशन साहब बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक भारत सरकार ने इनके 1990 के अंदर इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसी की फोटोग्राफ मैंने यहाँ लगाई है। नाउ इसके अलावा इनकी दूसरी किताबें हैं, एक थी इनकी वीर सतसई, ये दोहो के रूप में लिखी हुई, कंपाइलेशन ऑफ वेरियस कूपलेट्स, और डिंगल लैंग्वेज में लिखी हुई है, डिंगल भाषा जो मैंने बताया था। आप देखिए ये बूंदी की लिखी हुई है, बूंदी के आपके दरबारी कवि थे, बूंदी राजस्थान के ईस्ट में पड़ता है, साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन जो आता है, लेकिन फिर भी इन्होंने डिंगल डायलेक्ट को यूज करके इसको लिखा गया है, डिंगल भाषा को, ठीक है। जबकि जब मैं पढ़ा रहा था आपको, मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर जब मेरवा जब वो बांटती है पूरी आपके अरावली राजस्थान को बांट के जाती है, तो डिंगल यहाँ ज्यादातर यूज हुई है और यहाँ पिंगल यूज हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस बूंदी के यहाँ पड़ता है ईस्ट में, तो फिर उनके इन्होंने फिर भी इसको डिंगल के अंदर ही लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये पूछ सकते हैं कि वीर सत्य किस भाषा में लिखी हुई है, तो डिंगल आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और इस किताब के अंदर वीर सत्य के अंदर राजस्थान के जो अलग अलग रणबांकुरे रहे, ब्रेवरी, उनकी ब्रेवरी के बारे में, सैक्रिफाइस, वेलर के बारे में जानकारी मिलती है। और एक ध्यान रखिएगा,
अब थोड़ा सा हिस्ट्री को लेकर आता हूं मैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी कोटा की हिस्ट्री तो अलग बात है, लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट राजस्थान में शुरू हुआ था, ठीक है, जब क्रांति राजस्थान में शुरू हुई थी, तो उस समय कोटा के जो शासक थे वो राम सिंह थे, यही राम सिंह थे, और ये उनके दरबारी कवि रहे हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने क्रांति को बहुत ज्यादा एकदम मैग्नानिमसली पोर्ट्रे किया है, बहुत डिटेल में बताया है, क्योंकि जो 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 कोटा के इनके दीवान थे मेहराब खान और जयदयाल, तो दोनों जिन्होंने कोटा के अंदर आपके जो शासक थे राम सिंह को, इनको अपदस्त कर दिया था, कू कर दिया था, और बाद में करीब करीब 6 महीने तक पैरल गवर्नमेंट भी चलाई थी, तो उस समय भी यही दरबारी कवि थे। तो इन्होंने वहां के जो जितने भी करेजियस जो रणबांकुरे थे, जो लड़े थे उस लड़ाई के लिए, एट रिवोल्ट के अंदर 1857 के, उन सबके बारे में काफी जानकारी दी, काफी बताया था कि किस तरह शासन चलता रहा था। तो वीरों की गाथा एक तरह से, वीर सतसई, कंफ्यूज मत होना, बिहारी सतसई, वो महाकवि बिहारी ने लिखी थी, जो मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर वाले थे और उनके दरबारी कवि थे, और वहां पर उनको हर सोने का सिक्का मिलता था हर दोहा लिखने पर। तो ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रख के चलिएगा, ये वीर सतसई है, वो आपकी बिहारी सतसई थी, दोनों अलग अलग है। नाउ मूविंग फर्दर, फिर आपकी इनकी किताब लिखी थी राम रंजाट। राम रंजाट ये इनकी बहुत वन ऑफ इस अर्ली टेक्स्ट, इनिशियल टेक्स्ट थे, ये इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में लिखा था। आज हम 10 वर्ष की उम्र में तो आज के बच्चे देखा जाए तो वो काफी चैंपियन हो जाते हैं गैजेट्स को लेकर, लेकिन फिर भी 10 ईयर्स ऑफ एज एंड राइटिंग इज ओन हिस्टोरिक क्या कहते हैं एक बुक, तो डैट इज सम बिग अचीवमेंट, तो शुरू से ही था इनके अंदर ये। फिर एक किताब लिखी है इनकी बलवंत विलास, और बलवंत विलास के अंदर इन्होंने रतलाम के राजा बलवंत सिंह थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। आपको मैंने बताया था रतलाम, क्योंकि बूंदी वाला पार्ट है जो है एमपी से लगता हुआ है, और एमपी के अंदर ही रतलाम है, राजस्थान की बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के तौर पे देखी जाती है उसको। तो उस टाइम पे जैसे आज मॉडर्न डे जो 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 बाउंड्रीज खींची हुई है, उस तरह का नहीं था काम पहले, तो रतलाम भी राजस्थान का ही पार्ट माना जाता था। ऐसे मामले एमपी वाले पढ़ते कि ये जो बूंदी वाला पार्ट था राजस्थान का पार्ट माना जाता है, ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो बलवंत के शासक थे, ये बलवंत सिंह जो शासक थे, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तीनों चारों किताबें की ध्यान रखिएगा, तीनों चारों इंपॉर्टेंट है। वंश भास्कर, वीर सतसई तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राम रंजाट और बलवंत विलास पूछ सकते हैं, लेकिन वंश भास्कर वीर सतसई तो स्किप होनी नहीं चाहिए दिमाग से, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपके आती है राजस्थान की बहुत एक फेमस आर्टिस्ट राइटर, वन ऑफ दी यू नो ग्रेट वुमेन राइटर्स राजस्थान है, देवर प्रोड्यूस लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी, राजस्थान रत्न अवार्ड भी मिला इनको, पद्मश्री भी मिला इनको, तो बहुत एक जानी मानी हस्ती रही है। और इनका जन्म जो हुआ था वो उदयपुर के पास एक जगह देवगढ़, ठीक है, 1916 में उदयपुर के अंदर पास एक जगह देवगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर वैसे आता है वो, और देवगढ़ जो है वो आपके ये बहुत फेमस स्कूल है पेंटिंग का भी, मैंने आपको बताया था मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर एक देवगढ़ पेंटिंग स्टाइल भी आती है, ठीक है, जैसे आपको चावन पेंटिंग स्टाइल है, उसके बाद आपके देवगढ़ पेंटिंग स्टाइल है, उदयपुर शैली है, तो ये सारी आपकी उसके अंदर मेवाड़ शैली सिनोनिमस उदयपुर शैली शैली, ठीक है, तो उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था, और ये काफ़ी इनके सोशली बहुत एक्टिव रही हैं, सोशल पॉलिटिशियन भी रही, 1762 से 1772 तक लगातार 10 साल ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रही राजस्थान विधानसभा की, 1772 से 1778 तक राज्यसभा के मेंबर रही, और इन्होंने काफ़ी काम सोशल वर्क भी किया, जैसे कि इन्होंने डिमांड करी थी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन राज्यसभा, ये इनकी डिमांड रखी हुई थी। और इसके अलावा इन्होंने इक्वल पे की बात करी थी, जो 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 वुमेन वर्किंग इन LIC बिल्डिंग, LIC एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो इन सब के अंदर वहां पर इक्वल पे की बात होनी थी, पहले ऐसा था क्योंकि इक्वल पे इक्वल वर्क नहीं मिलता था, एट पार विद मेन नहीं मिला करता था, तो इन्होंने इसके काफी पुरजोर तरीके से डिमांड रखी थी लोकसभा में भी और राजस्थान की विधानसभा में भी, जो बाद में मानी भी गई थी आर्टिकल आई थिंक 31A और 38A ऐसा कुछ है, तो उसके अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करी हुई है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क 1978, तो जो डिसआर्मेंट कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके अंदर इन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंट किया था, काफी एक लर्निड और दिग्गज हस्ती रही। अब इनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक रही है जिसके लिए इनको पद्मश्री भी मिला है, जो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस किताब के लिए इनको पद्मश्री मिला था, तो वो किताब थी आपकी देव नारायण बागड़ावत की महागाथा। अभी कुछ समय पहले इनका लास्ट ईयर देहांत हुआ है, और उसके बारे में काफी न्यूज में थी ये बुक उस वक्त भी, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट गारंटीड बन सकता है कि देव नारायण की बागड़ावत की महागाथा किसने लिखी है, ये लिखी लक्ष्मी कुमारी चुंदावत जी ने, और ये पद्मश्री इनको इसी किताब के लिए मिला था। ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है कि किसके लिए पद्मश्री मिला था, ये किसकी लिखी हुई किताब है। फिर इन्होंने कस्टम्स ऑफ राजस्थान नामक एक किताब लिखी थी, कैरे चकवावात, ये आपसे बुक पूछी जा सकती है, कैरे चकवावात, जैसे ये कै ऐसे लिखते हैं कैरे चकवावात, ठीक है। फिर मंजली रात, शांति के लिए संघर्ष, ये इनकी किताबें रही हैं। लेलिंद्री जीवनी, लेनिन वॉज दैट यू नो USSR का जो एक लीडर थे, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, तो उनकी लेनिन के बारे में इन्होंने जीवनी लिखी है, मूमल की लिखी हुई किताब इनकी, और हिंदू कुश के उस पार, ठीक
ठीक है ये, एंड इनको 1965 के अंदर सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला था। ये सोवियत यूएसएसआर और इंडिया के बीच में जो बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप बनने का जो बैकड्रॉप है उस समय ये बनाया गया था, तो ये अवार्ड इनको दिया गया था लक्ष्मी कुमार चुंडावत जी को। तो ये दोनों अवार्ड इनके ध्यान रखिएगा, ये इनके साहित्य के हिसाब से पूछे जा सकते हैं और इनके बुक्स के नाम और ये दोनों अवार्ड इनके पूछे जा सकते हैं या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट कवि श्री विजयदान देता साहब, प्यार से सब उनको बिज्जी बुलाते थे। इनका भी थोड़े से समय 2-3 साल पहले देहांत हुआ है। राजस्थान के बहुत फेमस कवि रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर बिज्जी के नाम से फेमस रहे हैं। और इनका जन्म जो हुआ था बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। हालांकि इनका जो बचपन रहा वो काफ़ी संघर्ष वाला रहा। इनके फादर थे वो भी राइटर थे वैसे, लेकिन एक कुछ ज़मीन के विवाद को लेकर उनके पिताजी का और उनके इनके चाचाओं का मतलब उनके भाइयों का आपस में कुछ झगड़ा रहा, जिसकी वजह से इनके पिताजी की हत्या हो जाती है। तो बड़े छोटी सी उम्र के थे, 4-5 साल के थे जब पिताजी की हत्या हो जाती है। और फिर इनके पिताजी को जब इनकी इनके पिताजी और इनके चाचा वगैरह की लाश इनके परिवार जो पैतृक गांव था बोरुंदा वहां पर आती है, तो काफ़ी इनको दुख होता है। और फिर ये उसके बाद से इनका जो इंटरेस्ट था वो पूरा लेखन में या राइटिंग की तरफ चला जाता है। तो इन्होंने अपनी एनर्जी को सही चैनलाइज किया तो अच्छे राइटर बन गए। कई लोग हैं जो गलत तरह से ले जाते हैं तो वो अलग तरह की उसके अंदर प्रॉब्लम फंसते हैं, लेकिन एनीवे काफ़ी फेमस राइटर है। और इनके जो पहले अवार्ड्स देख लेते हैं, अवार्ड्स पूछे जाते हैं इनके, और एक इनका अवार्ड था केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड जो बातारी फुलवारी के लिए इनको मिला था। बातारी फुलवारी इनकी किताब का नाम है, उसका भी 10th एडिशन। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो किताब है इसके अंदर काफ़ी सारी कहानियाँ किससे लिखे हुए हैं और इनके जीवन की इंपॉर्टेंट में एक इनका जो एटीट्यूड था वो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये कहीं भी काफ़ी समय गाँव वगैरह में रहे अपने, तो ये गाँव में लोगों से उनकी जो 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 कहानियाँ वो सुनते हैं, जो आपके फोक लोर्स जो होती है, जो कहते हैं ना लोक साहित्य का जो पार्ट रहती हैं या जो कहानियाँ किससे हम सुनते रहते हैं कि ऐसा ये था वो था उस तरह की, तो ये काफ़ी सुना करते थे। उन सब का कंपाइलेशन लेकर इन्होंने इस तरह की बुक्स निकाली, तो काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, काफ़ी राइटर स्टोरीज वगैरह बहुत फेमस रही हैं इनकी। और इनकी बातारी फुलवारी के 10th वॉल्यूम को ही केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी अवार्ड भी बहुत काफ़ी मिला, राजस्थान रत्न अवार्ड भी इनको मिला है, बिहारी अवार्ड मिला है इनको 2002 के अंदर, और इनको राव सिंह अवार्ड मिला है 2011 में और पद्मश्री 2007 में। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी भी पद्मश्री अवार्ड ही होल्डी हो गई और ये आपके होल्डर हो गई, और आपके पद्म ये विजयदान देता साहब भी पद्मश्री अवार्ड होल्डर हो गए। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोनों के लिए, और काफ़ी इनका नाम रहा। अब इनके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन आ रही है 2018 में पूछा हुआ है ऑलरेडी कि क्या रूपायण नाम की संस्थान है जो इन्होंने शुरू की थी बोरुंदा जोधपुर में, अपने ही पैतृक गाँव में इन्होंने बोरुंदा जोधपुर में एक रूपायण नाम की संस्था शुरू करी थी। जो क्वेश्चन पूछा था RAS 2018 के अंदर कि ये विजयदान देता साहब और कमल कठारी ने मिलकर शुरू करी है, कि दो क्वेश्चन दो लाइन का स्टेटमेंट था, तो उसमें बिल्कुल ये आपको मैं बता देता हूँ। अब ये क्वेश्चन दोबारा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर देता साहब के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये जरूर है मेंशन करना, क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर आपने ये आस्पेक्ट मेंशन नहीं किया तो वो अधूरी रहेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है लिटरेचर के लिए, बहुत जबरदस्त एक सोसाइटी है, ये एक इंस्टीट्यूशन है ये कह लीजिए। इसके अलावा इनके हिंदी लैंग्वेज में कुछ लिखे हुए साहित्य, ज़्यादातर ये राजस्थानी लैंग्वेज में लिखा करते थे, हिंदी में भी इन्होंने कुछ साहित्य लिखे हैं, खासतौर से एक है इनका उषा, एक बापू के तीन हत्यारे और एक समाज एवं साहित्य। ठीक है, तो समाज एवं साहित्य नाम की किताब लिखी है, और बापू के तीन हत्यारे का इसका मतलब ये है कि जो राजस्थान के जो महात्मा गांधी थे, जो हमारे राष्ट्रपिता रहे, उनके जो हत्या हुई थी उसके ऊपर एक सटायरिकल लिखा है इन्होंने। ठीक है, एक सटायरिकल या क्रिटिक कह लीजिए इस तरह से आप, ठीक है, एक क्रिटिक लिखा है इन्होंने इस किताब को। तो ये किताब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी के अंदर लिखी हुई है और फेमस है, तो पूछी जा सकती है। ठीक है, और समाज एवं साहित्य यानी कि समाज के अंदर जो प्रिवेलेंट जो आपके स्टोरीज हैं या जो आपका उसका क्या इफेक्ट पड़ता है साहित्य के ऊपर, और साहित्य का क्या इफेक्ट पड़ता है समाज के ऊपर, इस तरह से एक दोनों तरफ से एक रिसर्च ओरिएंटेड एक बुक लिखी हुई है इनकी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब इनकी कुछ बुक्स जो आपके संस्कृत जो आपकी राजस्थानी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो ये सारी की सारी किताबें राजस्थानी लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसके अलावा ये जो तीन बुक मैंने डार्क कर रखी हैं, इन तीनों किताबों के ऊपर इनके ऊपर इनके बॉलीवुड के अंदर मूवीज बनी हुई हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बॉलीवुड मूवीज इनकी बनी हुई हैं इनके ऊपर, तो आप ऐसे इन चीज को ध्यान रखिएगा कौन कौन सी। अब इनके ऊपर मैं बाद में चर्चा करता हूँ, लेकिन इनकी जो किताब है बातारी फुलवारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट किताब इनकी मैं यही बताऊंगा उसके हिंदी राजस्थानी के अंदर। फिर एक इनके आपके किताब का नाम था मारो बदलो, एक तरह से आप मान लीजिए जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके ओरिएंटेड ओरिएंटेशन के अंदर किताब लिखी हुई है। फिर इनकी किताब आती है टीडो राव के अंदर, कि वो इंसान जो तिकड़मबाजी यूज करता है, मतलब किसी तरह गठजोड़ निकालता है, जोड़ तोड़ कर अपना काम साधने वाला होता है ना, उस तरह के आदमी को टीडो राव कहा जाता है, जिसको हम आज स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं करंट सिनेरियो में, तो उस तरह के लोगों के ऊपर किताब लिखी हुई है। फिर गोरा हट जा, ये भी एक अपने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर है। रुख, उलझन, सपन प्रिया, केचुली, अलेखू, हिटलर, ये सारी किताबें इनकी राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। अब जो इंपॉर्टेंट किताब मैं बता रहा हूँ आपको, तो दुविधा परिणीत और चरणदास चोर। अब जो दुविधा लिखी हुई है किताब, ये आपके इसके ऊपर बॉलीवुड की मूवी बनी, खासतौर से पहेली,
ये तो बुक का एक तो ये ड्रामा फेस्टिवल के ऊपर बनाई गई थी, जो शाहरुख खान वाली मूवी आई थी पहली, अमोल पालेकर ने डायरेक्ट करी थी, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान रानी मुखर्जी की जो मूवी है वो पहली उसकी इसके ऊपर बनी हुई है और काफी अच्छी स्टोरी रही है, काफी मूवी अच्छी थी। इसमें दूल्हा दुल्हन जो होते हैं, नई नई शादी होती है, दुल्हन बड़ी सुंदर होती है और उसको शादी करके लेकर आ रहे होते हैं, तो जो एक जो बारात होते हैं, हालांकि दोनों पैसे वाला सेट होता है बहुत, उसका पुत्र की शादी करवाई जाती है और वो लेकर जब वापस आ रहे होते हैं तो उनको भूख लगती है रास्ते में, तो एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठ के खाना वाना पकाने लग जाते हैं। उस खेजड़ी के पेड़ पे भूत बैठा होता है, उस भूत को दुल्हन पसंद आ जाती है तो उसको पाना चाहता है, लेकिन अगर वो उसके पति के अंदर उतर जाएगा तो वो फिर दुल्हन उसकी उसके साथ हो जाएगी, मतलब दुल्हन को पता नहीं चलेगा कि भूत है उसको पसंद करता है। तो इस तरह की दुविधा वाली एक लिखी हुई एक स्टोरी है बाद में, लेकिन वो उसी तरह से अप्रोच करता है, लेकिन इस दुल्हन को पता लग जाता है कि ये मेरा पति नहीं है, कोई और हो सकता है, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरी कहानी है बेस्ड है। फिर परिणीता, आपने संजय दत्त और विद्या बालन की मूवी देखी, परिणीता उसके हिसाब से ये लिखी हुई है। और एक खास बात मैं आपको बताऊंगा कि जो विजयदान देता साहब थे, इन्होंने काफी समय तक जो जो बुक्स पढ़ी हैं उनके ऊपर शरद चंद्र चैटर्जी, बंगाली की बहुत बुक्स पढ़ी इन्होंने, तो शरद चंद्र चैटर्जी जो है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय वो और रविंद्रनाथ टैगोर, इनके दोनों के बहुत इन्होंने बुक्स पढ़ी थी, तो इनके जो राइटिंग है उनका भी आपके ऊपर इनके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा है। तो उसी तरह की जो लिटरेरी राइटिंग है उसकी तरह यौनर के अंदर लिखना इन्होंने शुरू किया है, ठीक है, शरद चंद्र चैटर्जी, ठीक है, शरदचंद्र चैटर्जी चट्टोपाध्याय जिन्होंने वो लिखा था आपके क्या नाम थी वो किताब जो मूवीज बनी है देवदास, ठीक है, तो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का, तो उनके बहुत सारे इन्होंने ये आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, बुक्स पढ़े, तो उनके काफी इंपैक्ट उनकी राइटिंग में आपको उनका देखने का मिलेगा एक कंटेम्प्रेरी एनालिसिस के अंदर, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान के मॉडर्न जो लिटरेरी राइटर्स हैं उनके ऊपर एक लेख लिखो 10 नंबर का बाय चांस फ्री में मेंस में आ जाए, या फिर राजस्थान के जो राइटर्स हैं उनका मॉडर्न राइटर्स का आपके उसमें फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान 1857 का, तो सूर्यबल मिशन के बारे में आप बताओगे, उसके अलावा फिर बाकी जो आर्टिकल जो हमने कल पढ़े थे क्लास में उनके बारे में आप बताओगे, तो उस तरह से आपको अलग अलग आंसर्स को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखते हो। ये सारी किताबें चरणदास चोर के ऊपर किताब मूवी बनी हुई, तो ये सारी की सारी किताबें इनके ऊपर तीन खासतौर से मूवीज भी बनी है। फिर आपके राजस्थान के बहुत फेमस आर्टिस्ट आते हैं कन्हैयालाल सेठिया साहब, जिनका जन्म 1919 सुजानगढ़ चूरू के अंदर हुआ था, और इनकी जो कॉम्पोजिशन है सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है पातल और पीतल, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन मिलता है महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का, जो उन्होंने जो संघर्ष रहा है, किस तरह से उन्होंने प्रताप ने कभी भी मेवाड़ को अकबर के अधीन नहीं आने दिया, कैसे संघर्ष लगातार करते रहे, तो उसके ऊपर बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही एक निमोनिक वर्जन आपको देखने को मिलेगा, काफी इसके अंदर ना एक तरह से सेपरेशन के बारे में, जब क्योंकि महाराणा प्रताप को अपनी धरती से बहुत प्यार था, तो एक जो जिस वर्जन से इन्होंने पेश किया काफी एक बहुत ज्यादा एक निमोनिक और कितना मार्मिक वर्जन मिल जाएगा आपको देखने को उसका। फिर इनकी किताब रही है मींझर, मींझर एक रही है लीलटांस, लीलटांस के अंदर व्यक्ति है जो साइकिल की रेस जीतना चाहता है, उसके ऊपर एक कहानी लिखी हुई है कि कैसे वो जीतता है, क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, उसको साइकिल नहीं होती कैसे लाता है, तो उसके बारे में कहानी पूरी जानकारी मिलेगी। फिर हेमानी, माया डरो बदलो, इसके अलावा लिख लिकोड़ो, फिर आपका काको रोड रो, वन फूल और निग्रंथ, तो ये सारी इंपॉर्टेंट किताब है। खासतौर से मैं आपको बताऊंगा कि एक इनकी किताब पाथर और पीतल और दूसरी इनकी किताब निग्रंथ, ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइटल्स है और ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरी है। इसके बाद आते हैं इनके जो अवार्ड्स है, तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, इनको मूर्ति देवी साहित्य अवार्ड लिटरेचर अवार्ड वो मिला हुआ है, राजस्थान रत्न अवार्ड इनको भी मिला हुआ है, और सूर्यमल मिशन शिखर अवार्ड जो समिट अवार्ड कहते हैं, ठीक है, तो राजस्थान के जो इतिहासकार वगैरह उनके अंदर हाईएस्ट जनर का अवार्ड है वो ये वाला है, सूर्यमल मिशन शिखर अवार्ड, समिट होता है तो उसके अंदर उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो ये जीतने वाले आपके मॉडर्न जो हिस्टोरियंस हैं उनमें से कन्हैयालाल सेठिया जी अव्वल दर्जे के हिस्टोरियन रहे हैं, ठीक है, राइटर। फिर आपके आते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये वाकई में सही मायने में माने जाने वाले एक बहुत जबरदस्त हिस्टोरियन राजस्थान के, जिन काफी हिस्ट्री हमने पढ़ी गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, और काफी सारे जो जो हिस्ट्री क्लासेस में ले रहा था उनमें कई जगह इनका उल्लेख मैं करता हूँ, कई जगह मेंशन करता हूँ, क्योंकि राजस्थान के इतिहास को जिस तरह से इन्होंने समझाया गोपीनाथ शर्मा जी ने और हीराचंद ओझा जी ने, इन दोनों ने बहुत ही एक बाइफर्केशन सेग्रीगेशन कर समझाया, जिस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो सारी देन इन्हीं दोनों दिग्गजों की है। और इनका जन्म हुआ था 1863 में सिरोही के अंदर, ठीक है, तो सिरोही में जन्म हुआ था, और इनको हिस्ट्री लिटरेचर आर्कियोलॉजी की काफी गहन काफी डीप इनसाइट नॉलेज थी, काफी इनका इंटरेस्ट भी था, इनफैक्ट एएसआई के लिए कुछ समय इन्होंने काम भी किया था, और बाद में फिर ये हिस्टोरिक राइटिंग के अंदर बुक्स के अंदर लिखे गए, 50 से ज्यादा बुक्स ये लिख चुके हैं, ठीक है, काफी कंपाइलेशन ट्रांसलेशन बहुत सारे इन्होंने राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर किए हैं, खासतौर से एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कर्नल जेम्स चोट की लिखी हुई किताब थी उसका भी इन्होंने ट्रांसलेशन राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर किया है, उसके बारे में हम कर्नल जेम्स चोट के बारे में हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्टोरियन है तो एलपी टेस्टोरी जेम्स चोट ग्रियर्सन इन सबके बारे में हम कल वाली क्लास में जरूर पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन उनके भी आ सकते हैं। और जो इनकी फेमस बुक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा की, वो किताब है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, लिपि का मतलब है स्क्रिप्ट,
ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं लिपि, तो वो वाली जो स्क्रिप्ट होती है ना उसके बारे में, जिसको लैंग्वेज भाषा होती है, लिपि स्क्रिप्ट होती है, तो उसके बारे में उन्होंने किताब लिखी है। और इनको राजस्थान का जिब्रान भी कहते हैं। जिब्रान एक फेमस राइटर है, खलील जिब्रान जैसे राइटर, जिनके काइट रनर वगैरह जैसी किताबें लिखी उन्होंने, तो राजस्थान का जिब्रान के नाम से इनको भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो दिग्गज राइटर थे, उनको रेप्लीकेट करने के लिए, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मिलता है। क्यों? क्योंकि इनकी इस किताब के लिए बहुत ही एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप ग्रंथ लिखा है, डिटेल के अंदर वर्जन पूरा दिया हुआ है, और इसी ग्रंथ का नाम आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिलेगा, जिसके राइटर आपके गौरीशंकर हीरचंद ओझा साहब है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपके आते हैं शंकरदान सामोर साहब। चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था, और काफ़ी जो जन्म भी हुआ था वो भी ब्रिटिश सरकार के अधीन था, राजस्थान का काफ़ी पार्ट, और मतलब अगर वैसे डायरेक्टली अधीन नहीं था राजस्थान, लेकिन वैसे जो राजवाड़ों के थ्रू जो संधियाँ हो रखी थी 1818 वाली, उनके अधीन था, तो उसी समय इनका जन्म हुआ था। काफ़ी नज़दीक से इन्होंने अट्रॉसिटीज़ देखी हैं ब्रिटिश रूल की, उनके एक्सप्लॉयटेशन को देखा है, उसके बारे में अपने जितने भी इतिहास है जो भी लिखा है इन्होंने, उन सब के अंदर इनका वर्जन, इनका बारे में वर्णन भी किया, डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में दिया है। एंड ये बड़ी प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के राइटर थे, चेंजेस की बात करते थे अपनी बुक्स के अंदर, कि ये जो सत्ता है उसको हटा के फेंकना होगा, नया समाज का निर्माण करना होगा, तो इस तरह की प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी बहुत दी है इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर। और इसी आइडियोलॉजी के वन ऑफ दी पायनियर राइटर्स जो हम मान सकते हैं, ठीक है, तो वो ये हैं, 1857 के रिवोल्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने। इन्होंने जो राजस्थान के अंदर जो संघ बन रहे थे, जो बनाने के बाद चल रही थी गंगा सिंह और इस तरह के, तो उनके बारे में जानकारी दी है। तो काफ़ी एक मतलब ओवरऑल जो एक कॉम्पैक्ट व्यू की हम बात करें, जो बर्ड्स आई व्यू की जो हिस्ट्री लिखी है, तो वो इन्होंने लिखी अपनी किताबों के अंदर। ठीक है, अब इनकी जो किताबें इंपॉर्टेंट फेमस हैं वो एक सगति सूजस, ठीक है, एक भगीरथी महिमा, बख्तारो बायरो, ठीक है, और देश दर्पण और साकेत सतर्क। ठीक है, तो ये साकेत सतर्क के पांच किताब है। इसके अंदर से देश दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसके ऊपर मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और आपके सगति सूजस, ये दो किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये किताबें जो हैं ये सिर्फ आपके इंडिया के राजस्थान के अंदर नहीं, इंडिया लेवल पे फेमस हुई थी। देश दर्पण आपके जो जो 57 फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में, काफ़ी राइटर्स और काफ़ी जो आपके रेवोल्यूशनरीज है उसके बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान की जो 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 सोशल लाइफ है उस सब या कल्चरल लाइफ है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ब्रिटिश अट्रॉसिटीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये सारी किताबें आप इनकी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो राइटर आते हैं वो इकराम राजस्थानी साहब आते हैं, इनको भी राजस्थान रत्न अवार्ड के लिए इनका नाम चला था। कुछ इन्होंने काफ़ी इनको क्या कहते हैं बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है इनके, वैसे इनके इनके बारे में पर्टिकुलरली काफ़ी जानकारी नहीं मिली, लेकिन इनकी बुक्स जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। और जो एक जो किताबों के नाम मैं यहाँ पर दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी इनके बारे में इकट्ठी हो नहीं पाई, तो दर्द के रंग नाम की किताब इनकी लिखी हुई है, एक सुकून इनके नाम की इनके नाम से किताब इन्होंने लिखी है, एक अक्षरों के इर्द गिर्द, ठीक है, वो प्रकाश पथ, और एक मॉडर्न एक मिडिवल हिस्टोरियन आते हैं शेख सादी, उनकी किताब थी गुलिस्ता, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने हिंदी में किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा कि जो शेख सादी की किताब थी गुलिस्ता, उसका अनुवादन इन्होंने ही हिंदी लैंग्वेज में किया है इकराम राजस्थानी जी ने। राजस्थान के बहुत फेमस एक राइटर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी इनको मेरे को इनके बारे में यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिल पाई, तो इसलिए मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इनकी बुक्स जो हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, ये दर्द के रंग, सुकून, अक्षरों के इर्द गिर्द, प्रकाश पथ, और शेख सादी की किताब गुलिस्ता का हिंदी अनुवाद ट्रांसलेशन। ठीक है, अब एक लास्ट आज के राइटर श्री लाल नथमल जोशी जी, इनका जन्म बीकानेर के अंदर हुआ था, और ये जो है इन्होंने एक किताब लिखी है अभय पाठकी नाम की, जिसके अंदर इन्होंने विडो रीमैरिजेस की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करी है, और काफ़ी इन्होंने समझाया है कि विडो रीमैरिज को, इनके इनके जीवन के ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा था ईश्वरचंद विद्यासागर का, जिन्होंने राजस्थान जिन्होंने इंडिया के अंदर आपके जो विडो रीमैरिजेस है उसको ख़त्म करने के लिए मूवमेंट चलाया था, काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के बाद इन्हीं का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल की लिटरेचर के अंदर, आप अगर फ्रीडम स्ट्रगल को देखें तो। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम विवेकानंद साहब, तो इनके अलावा बहुत ही दोनों तीनों बंगाली थे सारे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जो मेडिवल जो संक्रमण काल चूंकि ना ट्रांजिशनल फेज, जब राजस्थान इंडिया के अंदर एनलाइटनमेंट फैल रहा था, लोगों में अवेयरनेस आ रही थी, अवेकनिंग आ रही थी, तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन लोगों का, इनका, दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है, अरविंदो घोष का, इन सबका बहुत मॉडर्न हिस्टोरियंस है सारे, और हमें कुछ पार्ट इनका पढ़ना पड़ेगा आपके इसमें जब हम जो फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इन इंडिया या एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो विवेकानंद राधाकृष्ण वगैरह के बारे में वहाँ पढ़ना पड़ेगा, तब तब पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो इनकी जो किताबें थी, इनकी दूसरी किताब आई थी एक धोरारो धोरी जो एलपी टेसिटोरी, जिनके बारे में हम जैसे मैंने जब हम मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा था आपको तब बताया था कि इन्होंने डायरेक्ट को अलग अलग किया है राजस्थान के अंदर,
और कौन कौन से डायलेक्ट चलते हैं उसके बारे में, राजस्थान बीकानेर के इटली के रहने वाले थे और उसके बाद बीकानेर आके बसे, काफी समय बीकानेर कर्म भूमि बनाया उन्होंने, काफी समय वहाँ काम किया, बाद में यही इनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये इनकी बायोग्राफी एलपीटी स्टोरी साहब की इन्होंने ही नकमल जोशी जी ने लिखी है। फिर इनकी एक किताब थी एक बीननी दो बींद, यानी एक बहू और दो जो दूल्हे एक तरह से वो, ठीक है। तो एक बीननी दो बींद नाम की किताब इन्होंने लिखी है, जिसके जिसके जो एक इंग्लिश पोएट है टेनिसन, उनकी ही बुक थी इंक गार्डन, उसके बारे में उसका एक तरह से उस पोएम के ऊपर इन्होंने अपना खुद का टिप्पणी कह लो, कॉमेंट्री कह लो, क्रिटिक कह लो, वो लिखी है इन्होंने इसके ऊपर। और इनके अलावा जो इनकी अलग किताबें थी वो थी एक की भाड़ेती, एक परन्योड़ी और एक कुमारी, ठीक है। ये तीन किताबें इनके द्वारा और लिखी हुई हैं। तो ये खास तौर से अभी ये तीन किताब ध्यान रखिएगा, धोरारो धोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभय पाठ की बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बिन्नी दो बिन, ठीक है। तो ये सारी किताबें याद रखिएगा। देखिए मैं आपको, आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं सारी चीजें वही दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप और बुक उठाकर देखेंगे भी, यू हैव एन नंबर ऑफ बुक्स, एन नंबर इन द सेंस बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, कम से कम 400-500 किताबें हैं, 300-400 किताबें हैं। तो अगर मैं मना छोटा मोटा भी करके चलो 300-400 किताबें, मैं मुश्किल से आपको 100 किताबें बता रहा हूँ, मुश्किल से, वो भी बहुत ज्यादा उसके हिसाब से नहीं, और वो भी सारी एंशियंट मॉडर्न और वो सब मिलाकर। तो वो सारी किताबें अगर इतनी भी आप इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एंड ऑफ द डे, तो 60-70 के आसपास की किताबें होंगी, 100 भी नहीं होंगी। तो वो थोड़ी सी किताबें एक बार में याद नहीं होंगी, मैं बताता हूँ आपको, बता रहा हूँ बार बार। और ये रटा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप एक बार तो आपको याद हो जाता है, लेकिन आपके जब 3-4 क्वेश्चन आते हैं जब आप मिस कर जाते हो, तो इनको आप देखते रहिए, रटने की कोशिश मत करिए, रटेंगे तो कभी याद नहीं होगा, आप देखते रहिए बस, आपको एग्जाम के अंदर स्किप कर जाएगा। लेकिन जिन राइटर्स के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ उनको थोड़ा सा आप मेंस के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन 10 नंबर का आता है तो सारे के सारे राइटर तो आप लिख नहीं सकते हो। तो एंशियंट के 10 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर कर लो, मॉडर्न के 10 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर कर लो, और मेडिवल के 10 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर कर लो, ये तो आपके आंसर्स के हिसाब से हो जाएगा। प्री के अंदर तो एक बार रीड करना पड़ेगा राइटर के बारे में, कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, पुरानी एंशियंट और मेडिवल के अंदर ज्यादा इशू रहता है वो, और कौन कौन से उनके जो इंपॉर्टेंट कोई और बुक्स है उसके जो जिसके बारे में मेंशन किया उसके अलावा, तो ये तरह से आप पढ़ लीजिए। मोर और लेस आपका इसके अंदर से 6 से 7 नंबर 8 नंबर कवर हो जाएंगे, इसके बाद आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उससे इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, जिसके अंदर भी आर्ट एंड कल्चर में भी एक पोर्शन से अगर 6-7-8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू, कितनी वेटेज रखता है वो पार्ट। एंड थैंक यू फॉर बींग सो पेशेंट लिसनर्स, एंड वंस अगेन आई एम सो सॉरी फॉर बींग 5-7 मिनट्स लेट। एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट, ये आपका जो सीक्वेंस है जो आपको मैंने पहले ही बताया था, इस क्लास के नीचे लिंक के नीचे इस सीक्वेंस को फॉलो कर लीजिएगा। आप क्लिक करेंगे आप जैसे ही इस फीडबैक फॉर्म के ऊपर पीएससी पे जाकर, यहाँ पर अपने एग्जाम का लिख दीजिए किस एग्जाम के लिए आप अपीयर कर रहे हैं, जैसे आरपीएससी के लिए है तो आरपीएससी का क्लिक कर दीजिएगा, अपना नाम दीजिएगा, अपना नंबर दीजिएगा और मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नाम डॉक्टर वरुण शर्मा है, आप उनको बता दीजिएगा कि डॉक्टर वरुण सर की क्लासेस देखी थी आरपीएससी सेक्शन से, उनसे बात करना चाहते हैं, मेरे पास मैसेज आ जाएगा और मैं आपको खुद अपने आप आगे से बढ़ के विद इन अ डे, उससे भी पहले हो सकता है तो उससे पहले जैसे भी मेरे पास मैसेज आएगा आपको कॉल कर लिया जाएगा, आपके जो डाउट्स हैं जो क्वेरीज हैं आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू सॉर्ट देम आउट। एंड प्लस पे जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो मेरा कोड है 10VS, इसको यूज कर सकते हैं आप, प्लस पे जुड़ सकते हैं। विल बी मैं काफी तेजी से कोर्स कंप्लीट करवाने की फिराक में हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आने वाले प्री से पहले, चाहे वो मार्च में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो, उससे पहले एक बार हम लोग पूरा पूरा मेंस का कोर्स करके साइड में रख दें, फिर हम प्री रिवाइज करते रहेंगे। मेंस के अंदर आंसर राइटिंग रेगुलरली एक दिन का एक क्वेश्चन के हिसाब से भी करते रहेंगे तो काम चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि वी डोंट वॉन्ट टू लूज टच इन राइटिंग ऑल्सो, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। निमिषा जी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी का जो फाइनल पार्ट है, मंडे को क्लास होगी, कल मेरी क्लास नहीं होगी संडे को, मंडे को पार्ट 6 हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जितने साहित्य पढ़े उसके बारे में एक मैं आपको टेबल दे दूंगा साथ ही, और जो बचे टॉपिक्स हैं वो सारा कवर करके इस तरह से हम इस पार्ट को कवर करेंगे। इसके बाद जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो टॉपिक रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो म्यूजिक वाला पार्ट है उसको शुरू करने का प्लानिंग है मेरा, तो वो हम नेक्स्ट मंथ में शुरू करते हैं। एक क्विज भी करवाऊंगा इसके ऊपर ताकि आप लोगों का वो रहे, प्लस मुझे थोड़ा सा ACF के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा इस मंथ जो है, मैं थोड़ा फोकस रखूंगा यूट्यूब क्लासेस में, थोड़ा सा फोकस ACF पे रहेगा। आपके लिए मैराथन सेशन लेकर आता रहूंगा ताकि मैं आपके राजस्थान हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करवा दूं, राजस्थान कल्चर के ऊपर जो टॉपिक्स है वो मैराथन सेशन लेकर आ जाऊंगा उसको भी कंप्लीट करवा दूं, ताकि रिवीजन भी चलता रहे आपका और आपका जो काम है वो पूरा हो जाए, जो आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले इस तरह टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं नहीं चाहता कि आपके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान जहाँ तक मैं लोगों का फीडबैक देख रहा हूँ दे आर ट्राइंग टू स्किप राजस्थान लिटरेचर पार्ट एंटायर फर्स्ट पेपर, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कि सर ये छोड़ दें वो छोड़ दें, तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप कोई पार्ट छोड़िए, मैं हमेशा से ये कहूंगा कि हम लोग रेगुलरली पढ़ते रहें। मेरे जो अगर आप जैसे भी मैं दिन में कभी भी खाना वाना खाने के बाद आप बैठ के कभी भी उसको देख सकते हैं मैराथन सेशन में, इस महीने में कम से कम 3 से 4 मैराथन सेशन लूंगा मैं 20 तारीख से पहले, ताकि आपकी ACF की तैयारी के एग्जाम के अंदर भी आप लोगों को इशू ना रहे, ठीक है। तो आप प्लस पर जोड़ना चाहते हैं, आर से तैयारी ठीक से करना चाहते हैं और
एक मेंटोर के हेल्प चाहिए आपको आंसर राइटिंग वगैरह में सब चीजों में, तो आप मेरा कोड 10VS यूज कर सकते हैं। फीतर मास्क मात्र 7,500 रुपए, विच इज लाइक पीनट्स, एंड फॉर 2 ईयर्स प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए। अगर आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट लेंगे तो इसकी डबल फीस तो प्री के अंदर ही हो जाती है सिर्फ। तो जस्ट इमेजिन वी आर ऑफरिंग इट ओनली फॉर 7,500 प्री मेंस इंटरव्यू, पर्सनल आपको पूरा टच रहेगा, कोई भी डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो डू ज्वाइन इन, यूज माई कोड 10VS, मेरे साथ इंग्लिश मीडियम में पूरी तैयारी हो रही है, कोई भी टॉपिक एवरीथिंग इन इंग्लिश मीडियम, नथिंग आपको ऐसे मैं समझा आपको दोनों लैंग्वेज बायलिंगुअली दूंगा क्लास के अंदर, लेकिन जो नोट्स मिलेंगे सारे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। सो प्लीज गो अहेड डू द ऑनर्स, ज्वाइन मी ऑन प्लस अगर आपकी इच्छा है तो, ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो, एंड अदरवाइज आप अपने मेहनत से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई सी यू गाइज ऑन मंडे एट 4 o'clock इन द इवनिंग, टिल देन ऑल ऑफ यू गाइज टेक केयर, सायोनारा।